अब थोड़ा टाइम मिला है, 2-3 दिन अभी फ्री हैं, थोड़ा काम है, फ्री तो नहीं है। तो नमस्ते, आज जो जानेंगे काफ़ी अहम टॉपिक है, उसके बारे में जानेंगे। वो टॉपिक क्या है? सत्य। अभी सत्य क्या होता है? आपने भी सुना होगा सत्चित, सत साहिब, किसी भी चीज़ के आगे कई बार हमने सुना है सत लगा होता है, वो मालिक है, वो सत है, बाकी सब असत हैं। तो ऐसे काफी बार सुना गया है। चलो इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे कि सत का अर्थ क्या होता है, सत का मतलब क्या होता है, और हकीकत में इस सत को कैसे अनुभव करें। तो सत सत कहने से कोई फायदा नहीं होता। पहले तो सत का अर्थ जाने और कैसे ये सत इस कुदरत में काम करता है उसको जाने, तो निश्चित ही फायदा होगा। तो सत का मतलब होता है जो असली है, जो नकली नहीं है। असली का भी अर्थ जानते हैं कि असल किसे कहेंगे और नकल किसे कहेंगे, नकली किसे कहेंगे। असली तत्व है जो सत तत्व है, जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसे को सत कहेंगे। देखिए यहाँ पे जानने लायक काफी अहम जानकारी है कि जितनी भी चीजें हैं, यहाँ जितने भी तत्व हैं कुदरत में, तत्व का मतलब हवा, पानी और मिट्टी, इसके अलावा और भी तत्व काफी हैं, या इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जैसे सामने पेड़ों पे वो तोते दिखाई दे रहे हैं, तो आपको तोते दिखाई दे रहे हैं, वो सत नहीं है, वो असत हैं। कैसे? थोड़े दिन में उनकी भी मृत्यु होनी है, उनका भी कुछ टाइम है। ये चींटियां ये दिखाई दे रही हैं, कीड़े मकोड़े नीचे दिखाई दे रहे हैं, इनका शरीर दिखाई दे रहा है, ये खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको हम सत नहीं कह सकते। जो चीज टूट जाती है, खंडित हो जाती है, जिसका नाश तो नहीं कहेंगे, ये वर्ड तो अच्छा नहीं है, जो कि टुकड़ों में टूट जाती है, या खत्म होना कह लो आम समाज की भाषा में, उसको हम सत कैसे कह सकते हैं, उसको हम असत ही कहेंगे। लेकिन कुदरत में एक तत्व ऐसा है जिसका खत्म होना या खंडन होना, बीच में से टूट जाना कह लो, या टुकड़े टुकड़े में हो जाना, टूट जाना कह लो, उसका खंडन नहीं हो सकता, जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती, जो टुकड़ों में नहीं टूटता है, ऐसे को ही हम सत कहेंगे। जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ कुछ दिन के बाद जब इसका टाइम पूरा हो जाएगा तो क्या होगा, ये गल जाएगा, सूख जाएगा, टुकड़ों में टूट जाएगा, फिर से मिट्टी हो जाएगा। तो क्या हम इसको सत कह सकते हैं? नहीं। सत का मतलब ये है कि जितनी भी चीजें हमारी आंखों के सामने चाहे दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है, वो सभी चीजें एक दिन टुकड़ों में टूट जाएंगी, लेकिन एक तत्व ऐसा है जो टुकड़े में नहीं टूटता है, या कह लो जिसकी मृत्यु नहीं होती है, या ऐसे समझ लो जिसका खंडन नहीं होता है, जो कि अखंड है, तो उसी को हम सत कहेंगे। और वो सत कोई और नहीं है, वो सत आप ही हैं। आपके शरीर के अंदर मिट्टी है, वो टुकड़ों में टूट जाएगी, राख हो जाएगी, या फिर मिट्टी में मिट्टी हो जाएगी, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे उसके। लेकिन कोई तो तत्व ऐसा है
जिसको टुकड़ों में तोड़ना असंभव है, उसी को हम सत के नाम से जानते हैं। तो वो ही एक सत है, उस सत को इस कुदरत में ढूंढना चाहिए। ऐसा अकेले में बैठ करके ये शांति से घर परिवार की बातें छोड़ करके, ये छोटी मोटी बातें घर समाज का अच्छाई बुराई कलह वगैरह छोड़ करके, एकांत में बैठ करके ये जानना चाहिए कि शांति से और विवेक से कि इस कुदरत में वो तत्व कौन सा है। शुरू में पता नहीं लगेगा, लेकिन गुरु के सानिध्य से, गुरु मदद करेंगे तो पता लग जाएगा। तो फिलहाल में ढूंढने की कोशिश करो वो सत चीज कौन सी है, इसी कुदरत में ही है, और लंबे टाइम के बाद या फिर गुरु की मदद करने से वो चीज मिल भी जाएगी। तो कोशिश तो करनी चाहिए ना, कि बिना कोशिश किए कैसे मिलेगी आप, ये बात समझे। तो सुबह के टाइम या शाम के टाइम थोड़ा ठंडा दिमाग और घर परिवार से थोड़ा रेस्ट लेकर के, थोड़ा दूर हो करके इस कुदरत में उस तत्व को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं ढूंढ पाए तो कोई बात नहीं, गुरु मदद कर देंगे, कोई जो पहुंचे हुए हैं वे मदद कर देंगे, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी पेड़ पौधे हैं ये, और जितने भी आपके जान पहचान के, चाहे जीव जंतु हो, कुत्ता बिल्ली हो, भेड़ बकरी हैं, या फिर तोता मैना है, या पंछी हैं, या फिर हमारे जान पहचान के लोग हैं, सब एक दिन टुकड़ों में टूट जाएंगे, सबका खंडन हो जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन एक तत्व लास्ट में मिलेगा आपको कि जिसका कभी खंडन नहीं होता है, उसी को हम सत कहेंगे। तो आज हमने जाना, जिसका खंडन ना हो, जिसकी मृत्यु ना हो, ऐसी ही चीज सत है। बाकी तो सभी चीजें मशीनें ही हैं, मिट्टी हैं, वही चीज सत है, वो आपको पता लग जाएगा आगे। पहले तो अपनी तरफ से कोशिश करें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच सत को जानने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करेंगे इस चीज को जानने के लिए। बाकी तो मदद करने वाले बैठे ही हैं, वो आपको पता हो जाएगा। तो आगे फिर बात करेंगे किसी अच्छे टॉपिक पे और किसी अच्छी ज्ञानवर्धक विद्या पे। तो आज के लिए काफ़ी हो गया, थैंक यू वेरी मच।